दोस्तों आपको ऐसा नहीं लग रहा कि होंडा हाइनेस के साउंड के साथ ट्रिक किया जा रहा है और साउंड एक्चुअल में वैसा होने वाला नहीं है? पहले आप साउंड सुनिए, फिर हम बात करते हैं। यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, आप दोस्तों से बात कर रहे थे, चाय पी रहे थे, म्यूज़िक सुन रहे थे, जैसे ही सामने से बाइक गुजरी तो लोग उठ उठ के देखने लगे, कुछ भी। दोस्तों ये ट्रेसर देख के मुझे हंसी बहुत ज़्यादा आ रही थी, बट एनीवे साउंड पे आते हैं इसके। दोस्तों साउंड पे मुझे थोड़ा ट्रिक लग रहा है, बिकॉज जो इंजन फॉर्मेट कहा जा रहा है रेबल में, हाइनेस में, होंडा के, उसमें थोड़ा सा चेंज है दोस्तों, क्योंकि जो इंजन फॉर्मेट यूज़ किया जा रहा है वो है DOSC इंजन फॉर्मेट। दोस्तों उसमें जो साउंड है ना वो रोर ज़्यादा साउंड आता है, जैसे कि आपको जावा में सुनने को मिलता है सेम इंजन फॉर्मेट में, या फिर आपको हिमालयन में सुनने को मिलता है वो भी सेम इंजन फॉर्मेट है, तो आपको थोड़ा रोड साउंड उसमें ज़्यादा मिलेगा, स्पोर्टी साउंड ज़्यादा मिलता है, ना कि थम ज़्यादा मिलता है। अब ये ट्रिक है कि कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है एग्जॉस्ट में, ये देखना पड़ेगा, बट साउंड वैसा तो नहीं है जैसा कि वीडियो में होने वाला है, जैसा कि दिखाया जा रहा है, थोड़ा सा कंपटीशन बिल्ड करने के लिए। दोस्तों जैसे कि मालूम है कि रॉयल एनफील्ड जो है वो साउंड के लिए ज़्यादा जाने जाती है, तो इसलिए एक वो बनाया जा रहा है, थोड़ा सा बोलते हैं ना कॉम्पिटिशन पहले से बिल्ड किया जा रहा है। जो लोग साउंड लवर हैं, जिनको एग्जॉस्ट नोट बहुत ज़्यादा पसंद है, जो भी राइडर हैं, ऑब्वियसली बात है उनको साउंड जो है एग्जॉस्ट जो है उसका एक थम जो होता है वो ज़्यादा पसंद आता है, तो उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा रहा है लोगों को, ये साउंड का ट्रिगर सुनाया जा रहा है ताकि लोग पहले से ही अट्रैक्ट हों और बोलें कि हाँ भाई क्रूजर बाइक अच्छी है। एंड दोस्तों एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि रेबल जो है, जो होंडा का रेबल है, जो US मॉडल और बाकी आउट ऑफ इंडिया बिग सेल हो रहा है, वैसा मॉडल नहीं होने वाला है हाइनेस। हाइनेस में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज होने वाले हैं दोस्तों, बहुत सारी चीप एसेसरीज लगेंगी, उस तरह की क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलेगी जो US में मिलती है। ऑब्वियसली बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, वरना रेबल नाम से ही सेल होता, रेबल नहीं किया जा रहा है, हाइनेस किया जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस मॉडिफिकेशन मिलने वाले हैं, जो मतलब US मॉडल में है उससे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज भी होंगे। दोस्तों लुक जो है क्रूजर है, लुक बहुत ही अच्छा है, लुक को थोड़ा सा एक जो बोलते हैं ना डिज़ाइन जो है उस तरह से किया जाएगा, बट हाँ फीचर्स जो हैं वो चेंज किए जाएंगे, क्योंकि इंडियन मार्केट में अगर सेल करना है तो प्राइसिंग फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर 2,30,000 के आसपास का अगर सेल करेंगे इंडिया में तो सेल जो है मे बी उतना नंबर जो है वो कैप्चर ना कर पाए, तो सेल्स नंबर को कैप्चर करने के लिए जो क्वालिटी है उसे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा और कॉस्ट को जो है रिड्यूस किया जाएगा। बट मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, मैं क्यों वेट कर रहा हूँ इस मॉडल का वो ही बता दूँ दोस्तों, अगर ये मार्केट में आता है, रेबल मार्केट में आता है 300cc 500cc, तो एक नया ऑप्शन क्रिएट होगा, ऑप्शन क्रिएट होगा तो दोस्तों कॉम्पिटिशन बिल्ड होगा, कॉम्पिटिशन बिल्ड होगा तो ब्रांड्स को अपनी सर्विस अच्छी करनी पड़ेगी। आप माने ना माने दोस्तों कंपटीशन तो है, कई सारे नंबर्स जो हैं वो रेबल भी लेके जाएगा, कई सारे नंबर्स जो हैं रॉयल एनफील्ड को मिलेंगे। ऑब्वियसली रॉयल एनफील्ड का मार्केट तो कोई तोड़ नहीं सकता, ठीक है, उसमें कोई दोरा है ही नहीं, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड बहुत अच्छी ग्रिप बना ली है इंडियन मार्केट में, अब उसको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शर्त यह है कि अगर रॉयल एनफील्ड खुद चाहे तो अपनी मार्केट तोड़ सकता है, अदरवाइज दूसरे कोई आके तो रॉयल एनफील्ड का मार्केट नहीं तोड़ सकता। इसीलिए मीटियोर मॉडल जो है वो डिले किया गया है, एंड अब जो है वो मीटियोर मॉडल जो है आफ्टर मतलब मान के चलिए फर्स्ट वीक के बाद में, अक्टूबर फर्स्ट वीक के बाद में ही लॉन्च होने वाला है। पहले जो था वो एंडिंग के आसपास में लॉन्च होने वाला, सितंबर एंडिंग के आसपास, बट अब वो डिले हो चुका है। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने दिखाया हुआ था कि होंडा और रॉयल एनफील्ड में क्या चेंजेस, मॉडिफिकेशन, क्या डिफरेंस है, क्या कंपैरिजन है, तो दोस्तों वो डिटेल्स मैं इस वीडियो में भी डाल रहा हूँ, ताकि अगर आप प्लान कर रहे हैं बाय करने का तो उससे पहले आप थोड़ा सा इस मॉडल का भी वेट करें। जो नेम रॉयल एनफील्ड मॉडल आने वाले हैं, जो होंडा का मॉडल आने हैं, उसका एक लाइव रिव्यू आने के बाद में ही आप डिसाइड करिएगा कि आपको कौन सी बाइक लेनी है, तो पहले आप देखिए डिटेल्स। तो दोस्तों कंपैरिजन चार्ट जो है आपके सामने है, दोस्तों मेनली जो डिफरेंस दिख रहा है रेबल और मीटियोर में वो दिख रहा है पावर का। दोस्तों 27.19 PS का पावर जो है रेबल कर रहा है, एंड मीटियोर जो है 20.2 BHP का। टॉर्क जो है दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, बट गियर जो है वो चेंज है। दोस्तों मीटियोर में आपको 5 स्पीड गियर मिल रहे हैं और रेबल में आपको मिल रहे हैं 6 स्पीड गियर। तो इससे डिफरेंट क्या आता है, स्पीड रेंज का डिफरेंस आ जाता है। अगर मीटियोर में 6 स्पीड गियर होता तो स्पीड रेंज इंक्रीज होता। फ्रेम ऑलमोस्ट सेम है, सस्पेंशन भी ऑलमोस्ट सेम हम कह सकते हैं, एंड दोस्तों टायर डिस्क ब्रेक्स जो हैं वो भी, डिस्क ब्रेक साइज जो है वो भी चेंज है। इवन मीटियोर में अच्छे ब्रेकिंग मिल रहे हैं, मगर टायर साइज में भी डिफरेंस मिलेगा।
जो मीटियोर में जो आपको टायर मिल रहे हैं ना, वो पतले टायर्स मिल रहे हैं दोस्तों। एंड व्हील बेस में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं कहेंगे, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। जो रेबल है वो थोड़ा सा लॉन्ग साइज में आपको मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस जो है रेबल का कम है, मीटियोर का आपको ज़्यादा मिलेगा, 170 mm का मिलेगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी आपको मीटियोर का अच्छा मिल रहा है दोस्तों, 15 लीटर्स का मिल रहा है। सिटिंग हाइट में जो है, जो क्रूजर हाइट जो होती है वो शॉर्ट ही होनी चाहिए, शॉर्ट राइडर्स भी इजीली राइड कर सकें। फुट पैक आगे की तरफ ही मिलेंगे दोनों में ही आपको, बट इसमें जो सिटिंग हाइट है जो ऊपर है वो मीटियोर की आपको मिल रही है। वेट में जो हैवी है, वेट अभी पूरा टोटली क्लियर नहीं है, 185 kg के आसपास में अप्रॉक्स कहा जा रहा है, बट ये अनऑफिशियल है, ऑफिशियली नहीं डिक्लेयर किया गया है मीटियोर का। तो वेट में हैवी मिलेगी आपको, एंड कलर ऑप्शंस जो होंगे वो भी आपको मीटियोर में ज़्यादा मिलने वाले हैं। दोनों ही बाइक में ड्यूल चैनल ABS मिलेगा। एंड दोस्तों, आपको जो रेबल में मिल रहा है वो आपको मिलेगा डिजिटल डिस्प्ले, जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बट मीटियोर में आपको मिल रहा है सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें आपको एनालॉग और डिजिटल का एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो दोस्तों, मेरे को तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार है हाइनेस का भी और मीटियोर का भी दोस्तों। अब देखते हैं कौन से मॉडल में क्या डिफरेंस होगा। अगर जैसे ही लाइव मॉडल आते हैं तो मैं श्योरली प्लान करूंगा कि उसका रिव्यू आप लोगों के लिए करें, ताकि आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स जो है ना वो क्लियर हो सकें। तो दोस्तों, यहाँ वीडियो को एंड करते हैं। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और देखते रहिए बुलेट बुलेट, ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। एंड दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। बाय। योर हाइनेस इज अराइविंग सून, गेट रेडी फॉर द रोर ऑफ द हाइनेस।